सबसे पहले तो आप सभी साथियों को राजभर जी का नमस्कार, और हमारे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी, भागीदारी पार्टी के 2002 से पार्टी बनाए। तो हम लोग 2002 में तो 3 में स्थापना दिवस यूपी मनाए, 4 में बिहार मनाए, 1 साल बिहार 1 साल यूपी करते। तो हम लोग समय समय पर जब आते थे तो हम लोग कहीं इंटर कॉलेज का मैदान, कभी विधानसभा के सामने हम लोग कार्यक्रम करके चले जाते थे। इस बार का यहाँ जो स्थापना दिवस के अवसर पे सावधान महारैली का कार्यक्रम गांधी मैदान पटना में होने के नाते ये चर्चा में आ गया कि गांधी मैदान पटना इतना बड़ा मैदान है, उस मैदान में भारतीय समाज पार्टी, आश्चर्य लोगों को लगा। जबकि मैंने अभी तो मैं मैदान पे नहीं गया, लेकिन जो मैसेज मिला, जो पंडाल बना है सुबह 8 बजे ही घर गया। और हमारी जो कोशिश हो रही है कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम गांधी मैदान पटना में, वो चीजें हैं जो जनता को जरूरत है। आज देश में उद्योगपतियों के कर्जे जो RBI से लोग लेते हैं 500 करोड़, 800 करोड़, 1500 करोड़, जब उनके ऊपर वो कर्ज नहीं दे पाए तो उनके कर्जे माफ हो गए, 1,00,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ। तो आज जब इस देश में घरेलू बिजली का बिल गरीब नहीं दे पा रहा है, कमजोर नहीं दे पा रहा है, उसके ऊपर भी मुसीबत है, तो उसके कर्जे घरेलू बिजली का बिल माफ क्यों नहीं हो रहा है? इस बात को लेकर के हम लोगों ने, पार्टी ने, हमारे मोर्चे ने तय किया है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह अमीरों के कर्जे माफ हो रहे हैं, उसी तरह घरेलू बिजली का बिल भी माफ होना चाहिए। देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, फिर दो तरह की शिक्षा क्यों है? जब कोई सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा दोनों जब कोई नौकरी के लिए फार्म भरते हैं तो पेपर एक आता है, वही सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर कम कमजोर होने की वजह से, प्राइवेट में शिक्षा का स्तर अच्छा होने की वजह से प्राइवेट वाला बच्चा पास कर जाता है और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला फेल हो जाता है। इस नाते हम लोगों की पार्टी का मानना है कि एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा देश में लागू कराने के लिए हम लोग देश में आंदोलन कर रहे हैं। पार्टी के स्थापना दिवस के बहाने हम कभी सावधान महारैली करते हैं, कभी सावधान रथ यात्रा निकालते हैं, तो कभी जन जागरण लोगों को करते रहते हैं। आज देश में हम लोग यूपी से आते हैं, दुनिया के कई देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है, लेकिन आज स्वास्थ्य के सवाल पे हम लोग यूपी में, आपने देखा होगा कि जब मैं बीजेपी सरकार में था 18 महीने, मुख्यमंत्री को विधानसभा के अंदर कहना पड़ा कि गरीबों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा रुपया अगर कोई दिलाया तो ओम प्रकाश राजभर जी। शेष हमारे यूपी में 403 विधायक हैं, लेकिन उन्होंने हम ही को क्यों कहा? जो देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दी है कि गरीबों के इलाज के लिए जो बजट है वो गरीबों तक पहुंचे, ये नहीं पहुंच पा रहा है, इसके लिए हम लोग एक कानून चाहते हैं। हम लोगों की पार्टी भागीदारी पार्टी, लोक एकता पार्टी जो हमारे साथ है, भारतीय समाज पार्टी, हम लोग चाहते हैं कि एक कानून बन जाए, कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, अगर बीमार होता है, ऑपरेशन इलाज कराना है, तो उसका सारा खर्चा सरकार वहन करे, चाहे वो प्राइवेट में इलाज करावे चाहे सरकारी। आज देश में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, 1931 में जातिवार जनगणना हुई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान में व्यवस्था दिया हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इस देश में कुत्ते की गिनती हो रही है, गाय भैंस की गिनती हो रही है, लेकिन इंसान की गिनती नहीं हो रही। जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक इस देश में रहने वाले अहिर गरीबी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक फांसी केवट बिंद मला जोल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमिहार बिहार आरा कर्कबंशी बंजारा बहेलिया कंघार, ये तमाम जातियां जो वंचित हैं आजादी के 75 साल में जो वंचित हैं, इनको हिस्सा न मिलने का कारण सिर्फ जातिवार जनगणना करना होना। इस नाते हम लोगों की पार्टी का मानना है
कि जातिवार जनगणना कराना हम लोगों का मकसद है। आज उठा के आप देखिए, देश में बेरोजगारी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। आज हम लोगों का मानना है कि देश में कक्षा चार से रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लाउडर बनाना, कैमरा बनाना, कलम बनाना, इस तरह के 100 विषय बने, और कक्षा चार से एक विषय हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य हो, देश में रोजगार परक शिक्षा लागू करना, देश में तकनीकी शिक्षा लागू करना भारतीय समाज पार्टी का मकसद है। इस चीज को लेकर के हम लोग जनता के बीच में घूमते रहते हैं। आज तमाम आयोग गठित हुए, लेकिन पत्रकार आयोग का गठन क्यों नहीं होता है? देश का चौथा स्तंभ है ये, अपनी समस्या कहां जाए कहने के लिए? आज फोटोग्राफर है, उसके दुर्घटना बीमा के लिए कानून क्यों नहीं बनता? पत्रकार आयोग की बात जब नेता तो जो बैठते कमरे में तो कहते हैं, मैं यूपी में सदन में जब इस बात को रखा कि पत्रकार आयोग का गठन होना चाहिए, 403 विधायकों में हमारे पास उस समय 4 विधायक थे, इस समय 6 विधायक हैं, उस समय कोई हमारी पार्टी को छोड़कर के कोई विधायक साथ देने को तैयार नहीं कि नहीं पत्रकार आयोग का गठन होना चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में, देश में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, हम टहलते रहते हैं, और उसी टहलते टहलते हम लोग आज आप लोगों के बीच में गांधी मैदान पटना में पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सावधान महारैली करने के लिए हम लोग इधर आए हुए हैं। ये हम लोगों का मकसद है। हम अभी आपके साथ हैं और यहाँ सावधान किसको करने आए हैं? हम जनता को सावधान करने आए हैं। देखिए नेता, जैसे वर्तमान मुख्यमंत्री जी, चाहे वो यूपी के हों, चाहे बिहार किसी स्टेट के, अभी जैसे यूपी बिहार की बात करें हम, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी पहले बीजेपी गठबंधन में थे, गठबंधन टूटा, फिर आरजेडी गठबंधन हुआ, मुख्यमंत्री बने। आप ही लोगों के सामने उन्होंने प्रेस करके कहा था कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, आप लोगों के सामने कहा। हम उनको याद दिलाने के लिए गांधी मैदान पटना है कि आपने जो वादा किया है आप यहां से शुरू करो, क्योंकि आपकी मंशा, हर नेता की मंशा होती है कि हम सीएम बन गए तो हम पीएम बन गए, हर नेता की चाहत होती है। अगर वो चाहत आप में है तो जल्दी से जातिवार जनगणना करा दीजिए, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, आप तो मालिक दोनों लोग हो, आरजेडी जदयू गठबंधन की सरकार है, दोनों लोग चाहते थे कि गरीबों को शिक्षा मिले, एक कानून बने, एक समान शिक्षा, दो तरह की शिक्षा क्यों? गरीबों के इलाज फ्री करने के लिए कानून बना दे। ये याद दिलाने के लिए हम इधर आए हैं। हम न आरजेडी के साथ है, न बीजेपी के साथ है, हम यहाँ के गरीब, कमजोर, वंचित, जो अपने अधिकार से वंचित हैं, उनके साथ। सर आपने बोला था उसमें कि जातिगत जनगणना नीतीश कुमार नहीं कराते हैं तो आलू झेड़ देंगे, उसको कायम उस बात नहीं? बिल्कुल, देखिए एक शब्द बहुवरत थी तो जो शोभा कहे, हमने कहा जिस दिन मैदान में पहुंचूंगा जनता के सामने उनकी बखिया उधेड़ दूंगा, जो उन्होंने वादा प्रेस के सामने कहा, मंचों पे कहा कि हम ये करेंगे ये करेंगे, सरकार बनते ही हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, हम तो अभी आज भी उस पर कायम, हम पीछे हटने वाले नहीं है। बखिया उधेड़ देंगे, खाल उधेड़ देंगे, वो दोनों समझ लीजिए, चाहे वो समझिए चाहे ये समझिए। देखिए एक शब्द बहुवरत थी तो जस शोभा कहे, हमारे यहाँ यूपी में और आपके यहाँ बिहार में, यहाँ भोजपुरी अच्छी भाषा है, पसंद लोगों को आती है, हमारे यहाँ भी पसंद है ऐसा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे खाल उधेड़ना, हम आपके सारे कारनामे उजागर कर देंगे, बखिया उधेड़ना, हम सारे आपके कारनामे को उजागर कर देंगे, हम अपने बयान पे कायम है, उधेड़ना, खाल उधेड़ना, बिहार में बता तो ना, मैं अपने बयान पे कायम हूँ, आप पीछे नहीं हटने वाले। ये कि और जो भी यहाँ क्षेत्रीय दल अकेले लड़ने की ख्वाहिश में है उनके, उनसे भी संपर्क करके हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी में 400 लोकसभा के हम लोग अभी से मन मिजाज बनाए हैं। यहाँ बहुत सी जातियाँ उपेक्षित हैं, चुनाव नहीं, आज तक उनको टिकटें नहीं मिला, MLA नहीं बने, MP नहीं बने, बड़ी संख्या में यहाँ रजवा राजवंशी रहता है, राजभर रहता है, प्रजापति रहता है,
पाल रहता है, नाई गोंड कुम्हार लोहार रहता है, इनकी कौन पूछता है? कोई पूछने वाला है? इस देश में छह जातियों के अलावा सातवीं जाति को कोई जन्मे नहीं करता है। नंबर एक पर पंडित जी, बाहू साहब, यादव जी, राय साहब, पटेल जी, मुसलमान जी, चमार जी, एकरे अलावा कौन जी है? जैसे मायावती भी आई थी कुछ दिन बाद, वो यहाँ से समझिए कि गायब ही हो गए हैं। आप आ रहे हैं, आप लगातार शुरू में बोल रहे हैं कि 40 सीट पर लड़ेंगे। देखिए मायावती जी, यहाँ अगर मेरी ताकत नहीं होती तो अभी जो आपका चुनाव हुआ विधानसभा में, आपके कुशवाहा जी, क्या नाम था उनका, उपेंद्र कुशवाहा, मायावती जी ओवैसी और ओमप्रकाश राजभर, समझौता हुआ था यहाँ, अगर मेरी ताकत नहीं होती तो फिर बहुजन समाज पार्टी हमसे समझौता नहीं करती। 5 सीट हमको दिया था उस समय, 5 सीट पे लड़ा, हार जीत अपनी जगह। कि मायावती जी, कांसी राम जी और मायावती जी में जमीन आसमान नहीं, आप संगठन यहाँ पर दिखता नहीं है कुछ, आज आपको दिखेगा। चलिए नहीं देखिए, यूपी में सपा ने हमको तलाक दे दी, हम कबूल कर लिए। शादी किससे करिए पे? अब आगे देखा जाएगा, अब आगे निकाह का टाइम आएगा जब 24 तो देखा जाएगा।